फोन में विंडो कैसे इंस्टॉल करते हैं मैंने अपने वीडियो में आज दिखाया है, और इसके बहुत ही इजी स्टेप है, आपको जस्ट फॉलो करना है, शुरू से एंड तक मेरा वीडियो देखिए। और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में अपनी ऐप की डिटेल्स दी है, आप वहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। हाय गाइस, आपको लिम्बो फाइल इंस्टॉल करना है, प्ले स्टोर से भी आपको मिल जाएगा, मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक में भी ये अवेलेबल है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और इसको आपके एंड्रॉयड फ़ोन में आपको इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लिम्बो के फोल्डर में जाना है, जो भी आपकी फाइल एक्सप्लोजर ES फाइल एक्सप्लोजर, मैं तो अपना सिस्टम का रेगुलर फाइल एक्सप्लोजर यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पर जाके आपको फाइंड करना है, डिवाइस स्टोरेज में जाके आपको लिम्बो का जो भी फोल्डर अवेलेबल है उस पर क्लिक करना है। मैंने उसको कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो आपको सेम वैसे कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको क्लोज करके लिम्बो की जो फाइल है आपको उसको ओपन करना है। इसको ओपन कर लेते हैं, तो लोड मशीन में आपको क्लिक करना है, वहाँ पे आपको न्यू सिलेक्ट करना है। न्यू सिलेक्ट करके यहाँ पे क्रिएट नेम में जो भी आपको नाम रखना है, XP या तो फिर win7, windows 8, windows 10, जो भी आपको करना है वो आप नेम सिलेक्ट करके उसको कर सकते हो। आपको यूज़र इंटरफेस में जाना है, वहाँ पे SDL सिलेक्ट करना है, फिर आर्किटेक्चर में जाना है, आपको x86 और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है x64, तो आपको x64 सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये आपको एंड्रॉयड फ़ोन को स्लो बना देगा, आपके सिस्टम में भी प्रॉपरली रन नहीं करेगी, तो आपको x86 ही सिलेक्ट करना है, मेक श्योर। फिर आपको यहाँ पे CPU मॉडल जो दिया हुआ है उसमें Camu 32 ही सिलेक्ट करना है, मेक श्योर। CPU कोर्स में आपको जाके यहाँ पे 1 ही सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आपका फ्लैश प्लेयर काम नहीं करेगा। रैम मेमोरीज जो आपको सिलेक्ट करनी है वो 512 ही आपको सिलेक्ट करनी है, जो यहाँ पे ऑप्शंस में अवेलेबल है, आप सिलेक्ट कीजिए 512। हार्ड डिस्क ए है, हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जो नन के जगह पे सिलेक्ट करेंगे हम ओपन। वो लिम्बो के फोल्डर में जो जाके मैंने फाइल कॉपी पेस्ट किया था XP का, वो फाइल जो भी आपने इमेज फाइल वहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, जैसे मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है 352 MB का फाइल, तो उसको आपको यहाँ पे लोड करना है। फिर नीचे जाना है, या आपको यहाँ पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को ऊपर नीचे सेटिंग नहीं करना है, VGA डिस्प्ले आपको खाली चेंज करना है, वो मेक श्योर के STD ही रहे। फिर साउंड कार्ड ये कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको सीधा जाना है यहाँ पे जो इसका फुल स्क्रीन दिया हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है, राइट लैंडस्केप जो है वहाँ पर आपको ओरिएंटेशन ऑटो कर देना है, यस। फिर जाके इसको खाली आपको रन करना है, रन करते ही आपका सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट वो जैसे PC ऑन होता है वैसे स्टार्ट हो जाएगा।